जबलपुर होली के दिन जब पूरा देश रंगों में सरोबार था, तो उस दिन संस्कारधानी जबलपुर में एक युवती के साथ खून की होली खेली जा रही थी। जबलपुर शहर के बीचों बीच मामूली बात इलाकों के कुछ युवकों ने एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की। युवती के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल भी हो रहा है। थाना प्रभारी लाडगंज प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल लाडगंज में होली के दिन पड़ोसियों द्वारा एक युवती को बेरहमी से पीटा। इस हमले में युवती की आंख, नाक और सर पर गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट करने के बाद हमलावर जहां फरार हो गए, वहीं युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। होली के दिन आखिर ऐसा हुआ क्या? लाडगंज थाना अंतर्गत रवि कुरील नामक शिकायतकर्ता ने थाने में बताया कि वह संजय नगर यादव कॉलोनी का रहने वाला है। MR4 रोड में चाय की दुकान चलाता है। 29 मार्च दोपहर पड़ोस में रहने वाला विनय चक्रवर्ती अपने दोस्त सुधीर विश्वकर्मा, विशाल प्रजापति और रवि शर्मा को बुलाकर होली खेल रहा था और लगातार गाली गलौज कर रहे थे। जब गाली गलौज करने से मना किया गया तो चारों ने एक साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल लड़की प्रांजल ने गाली देने से मना किया तो सुधीर विश्वकर्मा डंडा चलाने लगा, जिससे कि उसको प्रांजल को दाएं तरफ माथे में सिर में चोट आ गई है। लगातार खून बहने लगा। कुछ लोगों ने जब बीच बचाव किया तो वो जान से मारने की धमकी देने लगा। बेरहमी से युवती के साथ मारपीट करने वाले सभी चारों आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि सभी चारों आरोपी नामजद हैं, उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। बहरहाल जिस तरह से युवती के साथ मारपीट की गई है, वह कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। इधर युवती के साथ हुई मारपीट के बाद अब स्थानीय लोगों में भी पुलिस के खिलाफ आक्रोश उमड़ रहा है। एक मिनट चल। मेरा नाम प्रांजल कुरील है। ये मेरी चोट देख रहे हो, ये मेरे पड़ोसियों ने मारा है। पहले से हमें बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे, हम लोगों का जीना हराम करके रखा था। कल उन्होंने होली वाले दिन, डेट कल कितनी थी? डेट कितनी थी कल? 29 मार्च 2021 को कल उनने दिन में हद पार कर दी। हमारे घर में बहुत लड़ाई तमाशा कर रहे थे, हमारे घर के